क्या आपने पहचाना इसे? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, बिंदिया। अर्थात आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिंदु क्या चीज है। छोटी से छोटा अंश है, छोटी से छोटा चिन्ह है एक, जो किसी भी चित्र को बनाने से पहले प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा आज तक अभी तक कोई दी नहीं गई है। इसकी परिभाषा में हम ये कहेंगे कि अपनी पेंसिल को जितना बारीक हो सके उतना बारीक कीजिए और उस पेंसिल से अपने पेज पर एक चिन्ह लगाइए, वो चिन्ह जो है बिंदु कहलाएगा। तो बिंदु की यही परिभाषा है कि बिंदु एक सबसे छोटी सी छोटी इकाई है हमारी ज्योमेट्री में। एक बिंदु जो है हमारा किसी स्थान को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप भारतवर्ष के मैप में या ग्लोब में मैप में देखते हैं, तो उसमें हम किसी स्थान को, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, नई दिल्ली को एक बिंदु से अंकित किया हुआ होता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, तो वहां पर देखते हैं हम कि शिमला को जो है एक बिंदु से चिन्हित किया होता है, अंकित किया होता है, कि वो बिंदु क्या बताता है हमें, वो हमें हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताता है। और वो बिंदु क्या बता रहा है हमें, कि वो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली को बता रहा है। उसी तरह से अन्य जगहों को भी बिंदु के द्वारा ही बताया जाता है। तो यहां पर मैं दो बिंदु ले रहा हूं। एक बिंदु ये, इसका यदि हम नाम दें बिंदु ए, और बिंदु बी। ये दो बिंदु है हमारे पास और इन दो बिंदुओं के बीच में एक निश्चित दूरी है। ये बन गया हमारे पास एक रेखाखंड। इसको बोलेंगे हम रेखाखंड ए बी। रेखाखंड मतलब रेखा का एक भाग, रेखाखंड ए बी। तो रेखाखंड ए बी एक रेखा का भाग है, अंश है, छोटा सा टुकड़ा है ये। यदि हम इस रेखा को आगे ले जाएं इस तरह से आगे ले जाएं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर करता हूं, ये बिंदु ए है, और इस तरह से इसको आगे बढ़ाएं हम, तो ये जो है हमारे रे बन जाती है। इसको बोलते हैं हम किरण, रे। रे एक निश्चित बिंदु से एक ही दिशा में बढ़ रही हो तो उसे हम किरण कहेंगे, रे, दैट इज रे। यदि एक ही दिशा में बढ़े, उदाहरण के लिए सूर्य की किरणें हमेशा एक ही दिशा में पृथ्वी की ओर बढ़ती है, तो इसलिए हम कहते हैं सूर्य की किरण। तो रे बल्ब से, बिजली के बल्ब से आने वाली सूर्य प्रकाश की किरण, वो भी एक, आपकी तरफ जब प्रकाश की किरण आती है तो वो किरण है, वो एक पॉइंट सोर्स से, एक बल्ब से, एक सोर्स से वो आपकी ओर आ रही है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, किरण, रे, दैट इज रे। जबकि लाइन है, लाइन जो है दोनों ओर को बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इस दिशा को भी बढ़ेगी और इस दिशा को भी बढ़ेगी, इसको बोलेंगे हम लाइन। ये है हमारी, दिस इज लाइन। लाइन दोनों तरफ को बढ़ती है, इस तरफ को भी बढ़ती रहती है और उस तरफ को भी असीमित रूप से बढ़ती रहती है, उसको हम रेखा कहते हैं। वो है हमारी रेखा और यही हमारा अंतर है। जब हम रेखा को लिखेंगे तो हम दोनों ओर एरोज लगाएंगे, इस तरह से एरोज के तीर के निशान दोनों तरफ को होंगे, किसमें, लाइन में। जबकि किरण में हम एक ही तरफ को तीर का निशान लगाते हैं। क्यों? क्योंकि किरण जो है एक पॉइंट सोर्स से एक ही दिशा में बढ़ती है, तो इसलिए हम इसको, किरण को एक ही एरो से प्रदर्शित करते हैं। जबकि लाइन जो है वो दोनों दिशाओं में, लेफ्ट को भी और राइट को भी, असीमित रूप से बढ़ती रहती है, इसलिए हम इसके दोनों
किनारों पर तीर के निशान देते हैं। जबकि यदि हम लाइन सेगमेंट की बात करें, रेखाखंड की बात करें, तो रेखाखंड जो है ये इस रेखा का एक हिस्सा है, छोटा सा टुकड़ा होता है। हमने कोई से दो पॉइंट्स लेने हैं, ए और बी, और इन ए और बी पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया। ये रेखाखंड को हम इसी तरह से लिखते हैं, ए बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो इसको लिखेंगे हम रेखाखंड ए बी। जब हम रेखाखंड ए बी को लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको ए बी रेखाखंड। और जब हमने लाइन को लिखना है, तो फॉर एग्जांपल इस लाइन पर कोई दो पॉइंट है हमारे पास ए, और ये पॉइंट है हमारे पास बी, तो इसको लिखना हमने लाइन ए बी। इसके ऊपर इस तरह से दोनों ओर को तीर के निशान लगा के इसको लिखेंगे हम लाइन ए बी, और पढ़ेंगे हम इसको रेखा ए बी। जब हमने इस रे को लिखना हो, तो हम इस रे पर एक पॉइंट लेंगे, मान लीजिए एक्स, तो ये बन गई रे ए एक्स। इसको लिखेंगे हम ए और साथ में एक्स, रे ए एक्स। इसको पढ़ेंगे हम रे ए एक्स, किरण ए एक्स। तो ये बिंदु हमारा ए, इसको बोलेंगे बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु ए एक्स जब एक किरण पर हो तो उसको लिखेंगे हम ए एक्स, किरण ए एक्स। जब बिंदु लाइन सेगमेंट के रूप में ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, तो उसे लिखेंगे हम लाइन सेगमेंट ए बी। जब हमारे पास ये बिंदु एक लाइन के हैं, तो हम उस लाइन को लिखेंगे उन बिंदुओं के रूप में लाइन ए बी। इस तरह से ये हमारी बेसिक फिगर्स हैं, बिंदु, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यदि हमारे पास फॉर एग्जांपल तीन बिंदु है, एक बिंदु मैं और ले रहा हूं यहां पर, और उसे मैं इसी की दिशा में बिल्कुल सामने यानी कि संरेख एक ही सीध में लगा रहा हूं, तो इनको बोलेंगे हम संरेख बिंदु। ऐसे बिंदु जो बिल्कुल एक ही रेखा में लाई करते हो, उनको हम संरेख बिंदु कहते हैं। ये तीनों बिंदु जो है हमारे एक ही रेखा में हैं, तो हम कहेंगे कि बिंदु ए बी और सी संरेख बिंदु है, एक ही रेखा पर है। बिंदु ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, दे लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, सेम लाइन सेगमेंट। इसको हम लाइन भी लिख सकते हैं। यदि हमने इसी को लाइन बनाना है, तो हम इसको आगे ले जाके एक एरो इधर, और क्योंकि ये लाइन जो है ये दोनों तरफ को बढ़ती रहती है, तो ये दूसरी एरो हमारा इधर, तो ये बन गई आपके पास, हमारे पास लाइन ए बी सी। इसमें तीन पॉइंट्स हैं एक ही रेखा पर, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी।